सर आपसे जानना चाहूंगा, 3 एग्जामिनेशन बैक टू बैक स्क्रैप हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, फिर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई इन्वेस्टिगेशन, तो सर क्या कहेंगे कि 3 एग्जामिनेशन इतनी धांधली थी कि स्क्रैप करने पड़े? सर ये तीनों एग्जाम एक जूनियर इंजीनियर, सिविल सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये 3 एग्जाम थे, ये मार्च के महीने में कराए गए थे, तो इनमें कुछ एनोमलीज पाई गई, तो उसके कारण, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि एक भी बच्चा अगर इसमें गलत तरीके से आ जाए सो वो अनफेयर होता है, जो प्रॉपर बच्चे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, तो इसी कारण सरकार ने ये 3 पेपर कैंसिल कर दिए और अब ये एग्जाम्स रिकंडक्ट करा रहा है बोर्ड, और इनमें से जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट भी हो गया है और इस समय सब इंस्पेक्टर का चल रहा है। सर कोर्ट ने भी कुछ देर पहले एक रूलिंग दी थी, स्क्रैप कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो हम कोर्ट पे क्योंकि मसला सब जुड़े से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रही है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? सर आपने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की, तो डेफिनेटली हमने जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सिलेक्ट की है पीछे, वो इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, तो लेकिन ये है कि बच्चों के, क्योंकि बच्चों का कैरियर की बात है, तो हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एज पर द जनरल फाइनेंस रूल्स हमने एक कंपनी सिलेक्ट की है, और उसमें एक इशू ये था कि ये कंपनी पास्ट में कहीं ब्लैकलिस्ट रही है, तो लेकिन जब ये टेंडर फ्लोट हुआ उस समय ये कंपनी वो अपना ब्लैकलिस्टिंग पीरियड खत्म कर चुकी थी, वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी थी। जहाँ तक हमारे इन एग्जाम्स की बात है, तो हमने जब स्क्रैप किए एग्जाम, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस थोड़ा रिव्यू किया कि हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो नेशनल लेवल पे जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी थोड़ी मीटिंग की, और उनके जो प्रोसीजर्स हैं कोशिश किया कि हम कैसे उनको यहाँ रेप्लीकेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो एक तो हमने शिफ्ट किया है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर या प्रिंटिंग का प्रोसीजर उसमें खत्म हो जाता है, तो उस तरीके से हम मानते हैं कि वो थोड़ा सिक्योर है, हालांकि दोनों सिस्टम से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है जो पूरे सीबीटी प्रोसेस को ऑडिट करेगी, और इससे क्या हो जाएगा कि एक तो उस कंपनी में भी चेक रहेगा, और इसके अलावा हमने हर सेंटर पे ड्यूरिंग द एग्जाम, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट्स रहते हैं जो अनफेयर तरीके से लोग आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएंगे, कोई मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। फ्रिस्किंग हमने 2 लेवल पे रखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट की है, पुलिस की फ्रिस्किंग उसमें है, एक प्राइवेट फ्रिस्किंग है, तो इस उस पर हमने जामर्स रखे हैं हर सेंटर पे, तो ये जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो थोड़े से मिनट के बाद हम जामर्स ऑन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई फोन कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया है, जो हर सेंटर पे एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है, उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर डिप्टी कमिश्नर ने एक टेक्निकल पर्सन को, जैसे एमएससी आईटी एमसीए वाले लेक्चरर्स जो हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर नो हुए हैं, तो उनको लगाया है हर सेंटर पे, वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आते हैं। बिसाइड्स दैट एसएसबी ने, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज हो जाती हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए एसएसबी ने अपने ऑफिसर्स को लगाया है और ग्रुप बनाया है कि जैसे 5 सेंटर्स हैं तो उसके ऊपर एक हमारा सीनियर मेंबर होगा, वो कोऑर्डिनेट करता है और वो सेंटर टू सेंटर जाता है। मैं पर्सनली लेवल पे भी हर सेंटर पे खुद गया हूँ और अभी भी जाता हूँ, हर एग्जाम में मेरा मूवमेंट होता है कि देखे जाके कि बच्चों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो रही, और साथ में ये चीजें चेक करते हैं हम कि कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है जितना हम करते हैं। बिसाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें कुछ लोग, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें दिए हैं, वो टेक्निकल लोग हैं, उनके हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई हैं दोनों जगह, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और वो पहले दिन से एज फ्लाइंग स्क्वाड मूव करते हैं सेंटर टू सेंटर, और ऐसी अगर कोई गतिविधि या ऐसी कोई चीज दिखती है तो इमिजिएटली वो चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो फिर जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए कैंडिडेट्स जो हैं, कई उसमें से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं, ये भी उनका कहना था कि इतने साल से हम लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे थे, और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी मेहनत की वजह से सिलेक्ट हुए थे ना कि धांधली करके, तो उनको क्या कहेंगे, उनको किस तरह का आश्वासन देंगे? सर उनको हमने इसमें ऐसा किया है, जब ये री एग्जाम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन हमने नई नहीं इन्वाइट की, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया था वही बच्चे इसमें अपीयर कर पा रहे हैं, तो उनकी वो जो ओवर एज का या कंपटीशन बढ़ जाएगा वो चीज हमने उसमें टेक केयर की है।
बाकी उनको मैं यही कहूंगा कि आप मेहनत करें, और बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें हम सफल भी रहेंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छा सा एग्जाम कंडक्ट करें और वही बच्चे सामने आए जो डिजर्विंग है। सर अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि तीन एग्जाम जो है जम्मू कश्मीर में कैंसिल कर दिए गए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन का तो अब फिजिकल होना था, फिजिकल नहीं हुआ था, रिटर्न का रिजल्ट आया था। दूसरा एग्जामिनेशन रिटर्न हो चुका था, अभी रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। तो इस तरह के जो अभी पॉलिटिक्स भी इस पे बहुत हो रही है, हालांकि आपसे मैं पॉलिटिक्स के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हाईएस्ट ऑफिस जो है जम्मू कश्मीर में, वो अब जो नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए है, उस बारे में कुछ बताएंगे? ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई एग्जाम बच्चे ने मेहनत करके दिया और कैंसिल हो जाए, लेकिन ये है कि सरकार की तरफ से भी इसमें पूरी स्ट्रिक्टनेस है और ट्रांसपेरेंसी, और मेरिटोरियस बच्चे को लेना चाहते हैं, इसी कारण सीरियसली ये एग्जाम्स कैंसिल किए गए। जब थोड़ी सी भी इसमें पता लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर सब्सिक्वेंटली तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब देख रही है कि किस लेवल की हुई है, बट इनिशियली तो बहुत थोड़ा सा इंडिकेशन हुआ, उसी समय कैंसिल कर दिया गया था। तो ये तो हर लेवल पर सरकार में आप देखेंगे तो इस समय यही है कि इनको बड़ा सख्ती से ट्रांसपेरेंटली और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन हो। तो सर जो बच्चे मायूस हुए हैं इन एग्जामिनेशन की कैंसिलेशन की वजह से, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप, कैसे एश्योर करेंगे उन्हें कि अब ऐसी धांधली नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी पूरी लाई जाएगी? मैं उन बच्चों से एक तो ये जरूर कहूंगा कि आप भरोसा रखें बोर्ड पे और बोर्ड के जो ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं, हम सारे इसी चीज में लगे हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से रिक्रूटमेंट हो। दूसरा एक और भी अब आपके माध्यम से मैं ये बच्चों से भी अपील करूंगा कि एक तो र्यूमर्स पे मत जाएं, हेयर से पे मत जाएं, और इसके अलावा अगर कोई उनको एक कोई इनपुट मिलता है क्रेडिबल कि कहीं भी हमने इसमें नोटिस भी निकाला है बच्चों को, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं कहूंगा कि अगर उनको कहीं से भी कोई भी किसी भी सोर्स से पता लगता है कि कोई हमारे एग्जाम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, सैबोटेज की कोशिश कर रहा है, या जैसे पीयर ग्रुप में पता लग जाता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो गई है, तो हमें जरूर बताएं। सर हालांकि पॉलिटिक्स का एक सवाल है, मैं ये आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी या लीडर का नाम नहीं दूंगा, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस इशू पे, ये मौका नहीं छोड़ रहे कि सरकार को एसएसबी को टारगेट किया जाए, तो क्या ये सही है कि क्योंकि सरकार ने या एसएसबी ने ये जो स्कैम था इसे सामने लाया, अगर किसी तरीके से भी सामने आया लेकिन उस पर रोक लगा दी गई, रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी गई, तो क्या ऐसे इशू पे जहां पर बच्चों का फ्यूचर इन्वॉल्व है इसमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखो इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये क्वेश्चन आपने खुद ही बोल दिया कि पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर पे लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि बच्चों का फ्यूचर देखते हुए, जेन्युइन बच्चों का फ्यूचर देखते हुए ही ये पेपर कैंसिल हुए हैं। तो सर आइंदा से आप एश्योर कर रहे हैं कि इस तरह के जो है स्कैम्स नहीं होंगे एसएसबी में? सर हमारी, मैंने वही आपको कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि एज पर रूल जो भी काम हो और जो हम एग्जाम कंडक्ट करें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और उसमें कोई भी बाहर की जो एलिमेंट्स हैं वो उसको खराब ना कर पाए। तो सर जो रॉट था सिस्टम के अंदर, सीबीआई तो अपनी जांच कर रही है, क्या कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि हमारे यहाँ एसएसबी में कोई रॉट तो नहीं है जिसे पकड़ना सामने लाना जरूरी है? सीबीआई की इंक्वायरी, जब सीबीआई को केस हैंडल किया गया था तो उसके पहले एक सरकार ने हाई लेवल की जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना के एक इंक्वायरी कराई थी, तो उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने ये सीबीआई को दिया है। तो सरकार ने, और उसमें उन्होंने जो खामियां पाई गई थी तो उसी के बेस पे सीबीआई को केस रेफर किया गया था। तो ये थे राजेश शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि अब जो एग्जाम होंगे उनमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी, कोशिश यही है कि किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ, किसी भी कैंडिडेट के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, एग्जाम बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से हो।